राम जान की बैठे हैं मेरे सीने में, यहाँ पे आपने सुबह कर लिया है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे फार्म बनाए हैं ऑफलाइन, मतलब वीडियो नहीं शूट किया उसका, पर फार्म बनाए हैं मैंने, वो सब दिखा रहा हूँ मैं आपको। फार्म ये फार्म देख लो, पेरा है, देखो जरा, रुको दो मिनट के लिए, टेबल स्किप फास्ट कर देता हूँ, फास्ट चलेगा जो थोड़ा सा। तो यहाँ पे है अपना, यहाँ पे है शुगर केन फार्म, यहाँ पे से MSG, और यहाँ पे जाते हैं शुगर फार्म के पास। यहाँ पे शुगर फार्म में अभी देखते कितना प्रोजेक्ट हो चुका है और क्या, गरीब का फार्म शुगर केन फार्म है, अभी छोटा सा है और बनाऊंगा। रेडस्टोन मिल ही नहीं रहा था, बहुत मायने किया पर नहीं मिला। यहाँ पे शुगर केन फार्म देख लेते हैं गाइस, अपना कितना हो गया है, 16 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये एक फार्म था और एक दूसरा फार्म वहाँ पे जा रहे हैं हम। ये है अपना कोबालस्टोन जनरेटर, ये मस्त है। यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन बैठना, यहाँ पे माउस पे कुछ तो रख देने का, हेवी ऑफ अपने आप चलने लगता है गाइस। यहाँ पे जो कोवर स्टोन आते रहते हैं हम तोड़ते रहते हैं जब तक कैक्स नहीं टूटती। तो यार ये हो गया हमारा सेकंड फार्म, और ये हो गया अपना, रुको थर्ड फार्म भी दिखाता हूँ। ये हो गया अपना थर्ड फार्म, फार्म नहीं है मतलब, ये ऑटो स्मेल्टर है गाइस, बिग बहुत बड़ा वाला स्मेल्टर है, ये मस्त है, कैसे चलता है वो भी दिखाता हूँ। मेरे कुछ फ्यूल और कोवर स्टोन चाहिए हो गया अपने को। यहाँ पे अनलिमिटेड फ्यूल सोर्स गाइस अपना बन चुका है। यहाँ पे डेड कोरल का फार्म भी, डेड कोरल भी इधर ही था, यहाँ पे अपना अनलिमिटेड फ्यूल सोर्स भी हो गया है। तो यहाँ पे अपनी मशीन चलाने का वक्त आ गया है, सो मैं यहाँ पे कोबालस्टोन जनरेटर पे जाके कोबालस्टोन तोड़ने के लिए जाता हूँ गाइस। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हाँ मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके डिस्कॉर्ड पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो डिस्कॉर्ड पे मैं मेरा सर्वर बनाने वाला हूं गाइस, वहां पर से हम जाएंगे सर्वर में, हम लोग खेल सकते हैं, बहुत अच्छा सर्वर होगा गाइस, जल्दी से आ जाओ आप भी। सो या डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी, मैंने भाई। सो गाइस तब तक के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे कोबालस्टोन माइन, क्योंकि आपको दिखाना है अभी ऑटो स्मेल्टर। तो या हम बहुत सारा कोबालस्टोन माइन करेंगे और ऑटो स्मेल्टर में जल्दी से डाल लेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पे देख लो कैसे माइन करते कोबालस्टोन, जो नया है वो सीख लो, कोई नया नहीं है यार। सो यहाँ पे अपनी पिकैक्स फुल्ली हो चुके हैं, डैमेज अभी टूटने ही वाली, किसी में टूट गया, टूट गई, और मेरी उंगली भी टूट गई है। सो मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ अपने कोबाल स्टोन सारे और जल्दी से जाता हूँ ऑटो स्मेल्टर में। इतने ही नहीं है गाइस, पीछे भी है, नहीं है, है ना, पीछे भी है, वो भी ले लेते हैं। नहीं, इतने से कोबाल स्टोन आए पूरी आयरन पिकैक से, कितने आए, 4 स्टैक, और 4 स्टैक कोबाल स्टोन आए हैं एक आयरन पिकैक से। सो यहाँ पे रख देते हैं ऑटो स्मेल्टर में, और वहाँ पे फ्यूल भर के रख दिया है मैंने गाइस। यहाँ पे ऑटो स्मेल्टर में ये डाल देते हैं, यहाँ पे ऑटो स्मेल्टर में 4 है फटाफट से, यहाँ पे जल्दी से स्मेल्ट होना लगेगा। देखो गाइस कैसे स्मेल्ट हो जाएगा, मस्त है, यहाँ पे स्मेल्ट होना चालू हो गया है। अरे यहाँ पे जल्दी से स्मूथ स्टोन भी आएगा, ये अपने को XP फार्म के लिए लगाएगा, अपने घर के लिए लगेगा, स्मूथ स्टोन से ब्रिक बनेंगे, बहुत सारी चीजें बन गई है। देखो स्मूथ स्टोन आना शुरू हो गया, बहुत मस्त चल जाएगा ये फार्म। तो यहाँ पे गाइस जा रहे हम माइन के लिए रेडस्टोन की, रेडस्टोन बहुत जरूरी है गाइस, मेरे लिए जरूरी है रेडस्टोन, थोड़ा सा रेडस्टोन अभी। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, रात भी होने को आई है, तो यहाँ पे जाते हैं हम फटाफट से माइनिंग के लिए जाते हैं, और यहाँ पे रेडस्टोन की खोज कर लेते हैं गाइस। और ये मैं आज माइनिंग करते हुए, देखो गाइस मैं क्या हुआ माइनिंग करते हुए, यहाँ पर से रेडस्टोन की खोज कर रहा था, यहाँ पे रेडस्टोन तो नहीं मिला, पर मेरा बहुत कुछ चला गया गाइस। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ रेडस्टोन की खोज करने, यहाँ पे जाता हूँ MSG का प्रो, ग्लिच हो जाता है कुछ गेम में, पता नहीं क्या होता है, मैं दबाया था बटन फिर भी नहीं दबा,
यहाँ पर से आयरन फटाफट से लेता हूँ क्योंकि मैं मेरा डायमंड आर्मर छोड़ने नहीं वाला था, बहुत मेहनत लगा था गाइस। यहाँ पर से फटाफट से कुछ तो टूल्स बना लेते क्योंकि वहाँ पे स्केलेटन वगैरह थे, तो यहाँ पर से हम ले लेते थोड़ा सा आयरन बकेट के लिए, बकेट बहुत जरूरी है ना, इसलिए बकेट के लिए आयरन ले लेते हैं। और यहाँ पे जाते हैं थोड़ा सा वुड लेने के लिए क्योंकि वुड भी नहीं होता गाइस। तो तब तक के लिए आप देखते रहो, आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और या आज कुछ नए कर रहे हैं हम, तो या डिस्कॉर्ड पे जाके फॉलो कर देना गाइस, मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लेना गाइस। और सामान था गाइस मेरा शायद नीचे था, तो यहाँ पर से कूदा, यहाँ पे पहले टॉर्च फेंक के देखता हूँ गाइस कितना है, यहाँ पे टॉर्च का कम था इसलिए सीधे हेबेल नहीं कूदा डायरेक्ट में। यहाँ पर से कूद के अपना लेगिंग और वाटर बकेट ले लिया गाइस, यहाँ पे फूड खा लेते हम, दो हार्ट पे बचे हैं। तो यहाँ पर से हम करते हैं फिर से रेडस्टोन की माइनिंग, और फॉर्चुनेटली मेरे को मिल जा रहा है थोड़ा सा रेडस्टोन गाइस, तो उस रेडस्टोन को लेके मैं ऊपर आ जाता हूँ और बस क्या अपना अगला हाउस बनाने की तैयारी में कोबाल्ट स्टोन माइन करने के लिए। और देखो तो यहाँ पे गाइस हम कर लेते हैं थोड़ी सी माइनिंग रेडस्टोन के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था। यहाँ पे रेडस्टोन मिल जाते हैं गाइस मेरे को, या तो हाँ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना गाइस, मैं 3 बार बोल चुका हूँ वीडियो में। आप बोल रहे हो क्यों बता रहा है भाई, बार बार क्यों बता रहा है, बताना पड़ता है गाइस, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर दो, तो मैं बताऊंगा डिस्कॉर्ड लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, देख लो डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, हम जो जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं वो @ माइनक्राफ्ट करके कमेंट कर देना, जो जो फ्री फायर खेलता है वो @ फ्री फायर डाल देना, जो भी जो गेम खेलता है वो गेम खेल देना, मैं उस गेम में आ जाऊंगा गाइस, हम साथ में खेल सकते हैं। तो कमेंट कर देना, सिर्फ ये मत भूलना @ डालना, नहीं तो #, डाल देना #, माइनक्राफ्ट #, फ्री फायर जो भी हो वो डाल देना। तो हम आ गए विलेज में वापस, तो डिस्कॉर्ड का तो बोल ही दिया था उसके में, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर देना, मेरे चैनल पे विजिट कर दो, उसमें वीडियो आ जाएगा इंस्टाग्राम का, वहां पे आईडी मिल जाएगा आपको, नहीं तो यहाँ पे कॉर्नर में दे दूंगा, वो देख लेना गाइस। तो यार फॉलो कर दो जल्दी से।